इस हफ्ते की WWE मंडे नाइट रॉ काफी शानदार रही। यहाँ पर कई चीजें ऐसी देखने को मिली जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जी हाँ, इस खास रिपोर्ट में हम आपको रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच हुए ब्रॉल के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, WWE मंडे नाइट की शुरुआत हुई जनरल मैनेजर कर्ट एंगल से। वो रिंग में आए और उन्होंने अपने स्टेफनी मैकमहन, ट्रिपल एच और रोंडा रोसे के मैच के बारे में काफी सारी बातें की। उसके बाद रोमन रेंस रिंग में आए और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ने की डिमांड की। एक बार फिर कर्ट एंगल ने उस बात को रिफ्यूज किया, लेकिन रोमन रेंस नहीं माने और उन्होंने कहा कि मैं रिंग छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद कर्ट एंगल वहां से चले गए और कॉप्स वहां पर मौजूद हुए। वहां पर रोमन रेंस को हैंडकफ्स पहना दिए गए और उसके बाद एंट्री हुई ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर रिंग में आए और उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में रोमन रेंस को पूरी तरह पीटा। आपको बता दें कि रोमन रेंस के हाथ में हैंडकफ थे, इस वजह से रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का सामना नहीं कर पाए, लेकिन जितनी बुरी तरह से मारा है रोमन रेंस को, अब रोमन रेंस जरूर बदला लेना चाहेंगे ब्रॉक लेसनर से। अब अगले हफ्ते की रॉ में क्या होता है ये तो मंडे को ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।